आप देखो, अब एक्चुअली हम कर रहे हैं होमोमोर्फिज्म, ठीक है। होमोमोर्फिज्म किया तो हमने भाई कुछ उसके एग्जाम्पल देखे, कुछ स्पेशल टाइप देखे, ठीक है, जैसे प्रोजेक्शन है यहाँ पे, रोटेशनल है और रिफ्लेक्शन है ना, और आइडेंटिटी है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कुछ स्पेशल टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स है ट्रांसफॉर्मेशन के। नाउ जब आप होमोमोर्फिज्म पढ़ते हैं तो कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म जरूर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट द होमोमोर्फिज्म। तो कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म आपको याद हो, ठीक है, वो ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी में अगर आपको याद हो कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म क्या होता है, सपोज जी टू जी डैश है, ठीक है, कर्नल इज ऑलवेज सबसेट ऑफ दिस जी, और जिसके इमेज, ठीक है, जिसका जिसकी मैप जो है वो इस जी डैश के आइडेंटिटी भी बनती हो। कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी हुज इमेज इज ई डैश, ई डैश, यही होता है। जब हम ग्रुप थ्योरी में कर रहे थे ये आ रहा था, जब आप रिंग थ्योरी में आए तो यहाँ पे ई डैश की जगह आ गया जीरो, ठीक है, जो जीरो होता था, जीरो ऑफ द रिंग होता था, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस में आए तो हमने देखा वी अंडर एडिशन, वी अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाता है, आपको अबेलियन ग्रुप बनाता है, तो इसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी है जिसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। तो अब यहाँ पे जैसी कर्नल की डेफिनेशन आएगी, वो कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस वी हुज इमेज इज जीरो वेक्टर। सो वी एंड डब्ल्यू वी ए वेक्टर स्पेस एंड टी इज लीनियर, ठीक है, क्योंकि देखो जब भी आप कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म की बात करते हो पहले किसका कर्नल फाइंड आउट करते हो, होमोमोर्फिज्म का, तो यहाँ पे इसको होमोमोर्फिज्म होना जरूरी है। सो टी इज लीनियर, टी शुड बी लीनियर, टी को लीनियर होना जरूरी है। तो लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, देन द कर्नल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाई एन टी, ठीक है, एन ऑफ टी। इस कर्नल को अब के ई आर जब हम लिखते थे यहाँ पे, कर्नल ऑफ टी को हम कैसे डिनोट करेंगे, एन ऑफ टी, क्योंकि बाद में इसी को, तो यहाँ पे ये एक्चुअली जो कर्नल ऑफ टी होगा उसको आप वहां पे नल स्पेस नाम दे दोगे, नल स्पेस जिसकी इमेज जिस किस में जा रही हो, जीरो पे, नल स्पेस आप बोलोगे, तभी ये एन है। सो एन ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू वी, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ वी हुज इमेज इज जीरो, वेयर जीरो इज द जीरो ऑफ द डब्ल्यू, ठीक है, ये जीरो किसका है, डब्ल्यू का। तो आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हो जो हमारी कर्नल है, जो हमारा कर्नल है वो वी का सबसेट होता है, ठीक है, वी का सबसेट होता है, अभी सब स्पेस नहीं कहूंगा, अभी सब स्पेस तो आपको शो करना है, ये वी का सबसेट होगा और इसके जितने भी एलिमेंट है, सपोज अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है वी का एक्स कोई भी, तो इसकी इमेज कहाँ जा रही है, जीरो पे जा रही है, इस कलेक्शन को हम कहते हैं कर्नल ऑफ टी। थियरम है 2.1 में, ठीक, 2.1 में, तो ये कहता है कि एन टी कर्नल ऑफ टी जो होगा वो इसका सब स्पेस होगा, ठीक है। तो सब स्पेस टेस्ट, सब स्पेस टेस्ट में आप क्या करते हो, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, आपको जीरो वेक्टर भी आपको यहां पे शो करना होता है, जीरो वेक्टर, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वो आप यहाँ पे इजीली शो कर दोगे, ठीक। जीरो वेक्टर अब यहाँ पे टी, और हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं ना प्रॉपर्टी में, इसमें पहले टी जीरो आप दिखाओगे, है ना, टी जीरो इज इक्वल टू जीरो,
तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे, इसका इसको तो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, 0 + 0 इज इक्वल टू टी ऑफ 0, क्योंकि टी लीनियर है, तो ये आप t0 + t0 इज इक्वल टू टी 0 बाय कैंसिलेशन t0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जैसे ही ये आया तो 0 की इमेज 0 जा रही है, तो 0 ये वाला 0 जो होगा, दिस 0 बिलोंग्स टू एन टी, और ये 0 किसका है, डब्ल्यू का है। सो एन टी इज नॉन एम्प्टी ऑफ कॉस। ठीक, नाउ टेक एनी टू एलिमेंट, सो जस्ट सो इट्स एडिशन बिलोंग्स टू एन टी इस तरीके से, एंड सी आप एफ से ले लोगे, ठीक है, सी स्केलर ले लोगे, एंड एक्स हमारा ऑफकोर्स वेक्टर वी से होगा, इसका प्रोडक्ट भी 0 ही आ रहा है, तो ये भी सी एक्स भी एन टी में आ गया बाय द सब स्पेस टेस्ट, दिस इज डन। नाउ नलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, अब नलिटी क्या है, ठीक, तो फर्स्ट आपने कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया, नाउ इट्स नलिटी। देखो सिंस कर्नल ऑफ टी फॉर्म ए सब स्पेस, अभी हमने देखा, ऑफ वेक्टर स्पेस वी, देन दिस एन टी इज कॉल्ड नल स्पेस ऑफ टी। आप देखो इसी को, एन टी को ही हम क्या कहते हैं, नल स्पेस कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी नल स्पेस बोलेगा तो आप सीधे बोलोगे वो कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, या अगर कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो क्या है, नल स्पेस है, दोनों एक ही चीज है। एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज कॉल्ड नलिटी ऑफ टी, तो नल स्पेस की जो भी डायमेंशन होगी उसको हम कहते हैं नलिटी, एंड इसको हम डिनोट कर लेंगे इस तरीके से, डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल टू नलिटी ऑफ टी, और ईटा टी, इसको ईटा आप पढ़ोगे, ईटा टी, नलिटी एंड नल स्पेस एंड कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीजें हमें आ गई।